तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Vivo T1 5G और Realme 9i 5G। और इन दोनों के आप प्राइस देखोगे तो प्राइस के अंदर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, पर जो स्पेसिफिकेशंस हैं काफ़ी हद तक सेम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को कंपेयर करके आपको बताया जाए कि अगर आप इन दोनों मोबाइल फ़ोन में से कोई एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। तो अगर बात करूं मैं सबसे पहले इन दोनों की डिज़ाइनिंग की और वेट की, तो वेट दोनों में मतलब बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कोई मतलब भारी हल्का नहीं, बिल्कुल सेम वेट मिलता है दोनों के अंदर ही। और यहाँ पे बटन्स वगैरह की बात करूं तो T1 5G के अंदर आपको पावर बटन मिलता है राइट साइड के अंदर और उसी के ऊपर आपको फिंगर मिल जाता है। और जो वॉल्यूम बटन्स है ना वो भी राइट साइड के अंदर ही आपको मिल जाते हैं, जिससे आप एक हाथ से काफ़ी अच्छे से मोबाइल को चला पाओगे। और थोड़ा सा स्लिम ज़्यादा है Realme 9i 5G से, आप वहाँ देखेंगे T1 5G को, और आप नीचे देखोगे T1 में स्पीकर्स मिल जाते हैं और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और माइक मिल जाता है, 3.5 एमएम का जैक भी मिल जाता है। और आप लेफ्ट साइड के अंदर देखोगे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और ऊपर की तरफ आपको सिम स्लॉट मिल जाता है जिसके अंदर आप दो सिम कार्ड एंड एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, और ऊपर ही आपको वॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है। और यहीं पर अगर बात करूं मैं Realme 9i 5G की, तो इसके अंदर भी आपको राइट साइड में फिंगरप्रिंट और पावर बटन मिल जाता है, नीचे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, नीचे आपको माइक्स मिल जाते हैं और नीचे ही आपको 3.5 एमएम का जैक मिल जाता है। पर जो वॉल्यूम बटन है वो आपको इसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर देखने को मिलते हैं, और जो सिम स्लॉट है वो भी लेफ्ट साइड के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी आप दो सिम कार्ड एंड एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर बटन्स वगैरह देखोगे तो यहाँ पे T1 5G के अंदर सही है, जो वॉल्यूम बटन्स वगैरह वो राइट हैंड के अंदर मिल जाते हैं, तो काफ़ी आसानी से आप चला सकते हो। और दोस्तों अगर पीछे से आप देखोगे डिज़ाइनिंग वगैरह, तो वैसे T1 5G की भी काफ़ी अच्छी लुकिंग है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाती है, जो कलर है काफ़ी प्यारा लगता है। पर जो Realme 9i 5G है ना, इसकी भी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है। Realme ने पूरी ट्राई की है कि एक यूनिक डिज़ाइन दूँ, और ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये भी काफ़ी अलग सा है। पर इसके अंदर जो यहाँ पे चमकी है ना, उसको अगर आप देखोगे तो कस्टमर देखेगा इस मोबाइल को, तो ये कहना है इसे थोड़ा लेडीज टाइप मोबाइल लगता है। अगर लेडीज़ के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना है इन दोनों में से, तो यहाँ पे Realme 9i 5G एक बार में देखते ही पसंद आ जाएगा। पर यहाँ पे अगर कोई जेंट्स खरीदता है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो इसके अंदर एक जो ब्लैक कलर वाला है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो डिज़ाइनिंग के मामले में मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे, और यहाँ पे T1 5G थोड़ा स्लिम है तो ये यहाँ पे प्रीमियम फील देता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले मैं इन दोनों की आपको प्राइस बता देता हूँ, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस प्राइस के अंदर आपको क्या मिलता है। तो आपको पता होगा T1 5G की जो प्राइस है अभी बहुत ही ज़्यादा घट चुकी है, वो अभी सेल चल रही है फ्लिपकार्ट वगैरह के अंदर। तो अगर आप इसको अभी फ्लिपकार्ट से खरीदोगे तो आपको 15,999 में मिल जाएगा, जो 6GB रैम और 128 है। तो हमारे पास जो अभी रैम है 8GB रैम और 128 है, इसकी प्राइस भी आपको 17,999 रुपये में मिल जाएगा। तो 18,000 में 8GB रैम के अंदर मिल जाएगा, और 16,000 के अंदर आपको 6GB रैम वाला है वो मिल जाएगा। और अगर बात करूँ मैं Realme 9i 5G की, तो इसके अंदर आपको सिर्फ 6GB रैम और 4GB रैम का मिलता है, 8GB रैम का कोई भी यहाँ पे वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है। तो मैं अगर बात करूँ 6GB रैम और 128 की, तो इसकी प्राइस आपको मिल जाती है 16,999 रुपये, यानी कि 17,000 जो 6GB रैम और 128 है, तो 17,000 यानी कि इससे 1,000 ज़्यादा है। पर अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों का डिस्काउंट देख के, तो यहाँ पे लगभग सेम प्राइस है, क्योंकि पहले T1 5G की प्राइस भी ज़्यादा ही थी, 17,999 थी, पर अभी वो डिस्काउंट की वजह से थोड़ी प्राइस कम है। तो आपको मतलब सेम प्राइस मान लेते हैं, हो सकता है ये वीडियो आप यहाँ पे सेल ख़त्म होने के बाद में देख रहे हो, तो हम इन दोनों की प्राइस बिल्कुल सेम मान लेते हैं। तो देखते हैं कि सेम प्राइस के अंदर जो कैमरा वगैरह है कैसा मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों की डिस्प्ले के बारे में। तो जो T1 5G की डिस्प्ले है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाती है इसके अंदर। और यहीं पर अगर बात करूं मैं Realme 9i 5G की, तो इसके अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस, और इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले के अगर आप कलर्स वगैरह देखोगे काफ़ी अच्छे दोनों के अंदर देखने को मिल जाते हैं, पर अगर आप धूप वगैरह के अंदर जाओगे तो T1 5G की थोड़ी सी डिस्प्ले ब्राइट नज़र आती है। अगर आप धूप वगैरह के अंदर दोनों को चलाकर कंपेयर करोगे तो T1 5G की थोड़ी सी ब्राइट निकल के आ जाती है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में वैसे तो दोनों सेम है, पर अगर आप थोड़ा बहुत कंपेयर करोगे तो मुझे T1 5G की थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी। और अगर बात करें बैटरी और चार्जर की, तो दोनों के अंदर ही आपको 5000 एमएच की बैटरी मिल जाती है, और दोनों के अंदर ही 18 वोट का चार्जर मिलता है। तो ये मुझे दोनों के अंदर ही कमी लगी, 18 वोट का बहुत कम चार्जर है, अगर 33 वोट का तो कम से कम दोनों के अंदर चार्जर होना ही चाहिए था। तो दोनों के अंदर ही आपको सिर्फ 18 वोट का चार्जर मिलता है, और यहाँ पर 5000 एमएच की बैटरी मिल जाती है।
तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन दोनों के प्रोसेसर की कि इन दोनों के अंदर कौन सा प्रोसेसर मिलता है। तो जो T1 5G है इसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 695 और यहीं पर बात करूं Realme 9i 5G के अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 810। तो दोनों के अंदर ही आपको 5G के प्रोसेसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर गेमिंग वगैरह खेलना चाहते हो आप इन दोनों में से, तो ये वैसे तो दोनों ही गेमिंग को ज़्यादा टारगेट नहीं करते, अच्छी गेमिंग कर सकते हो। और वैसे अगर आपको एकदम हाई लेवल की गेमिंग करने सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए इन दोनों में से खरीद रहे हो तो ये दोनों ही मोबाइल आपके लिए नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जिसका हम सभी को इंतज़ार था, यानी कि अब बात करते हैं इन दोनों के कैमराज की, जो कि मेन यहाँ पे डिफरेंस हम इंतज़ार करते हैं कि इन दोनों का कैमरा कैसा है, क्योंकि प्राइस तो सेम है पर कैमरा भी सेम है। आपको बता देता हूँ दोनों के अंदर तीन ही कैमराज मिलते हैं और जो मेन कैमरा है वो मिलता है 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल के कैमराज और मिल जाते हैं दोनों ही मोबाइल्स के अंदर। पर जो फ्रंट कैमरा है ना उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो T1 5G है इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है और जो Realme 9i 5G इसके अंदर आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो आपको पता होगा यार हम मेगापिक्सल पर बहुत कम बिलीव करते हैं। मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन दोनों में से कैमरा किसका ज्यादा अच्छा है। तो आप ये फोटोज देख सकते हो। तो आपने ये फोटोज देखी होंगी यार, मतलब मुझे T1 5G के अंदर थोड़ी सी जो ब्लर के अंदर फोटो होती है ना वो यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लगी। Realme 9i 5G के अंदर काफी अच्छे से ब्लर वगैरह कर देता है और जो सेल्फी फोटोज है वो भी दोनों के अंदर लगभग सेम है, मतलब कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है T1 5G के अंदर मामूली सी अच्छी देखने को मिली है। और यहाँ पे Realme 9i 5G भी टक्कर दे रहा है फोटोज के अंदर यहाँ पे T1 5G को। तो अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों का कैमरा तो मेरे हिसाब से दोनों का कैमरा बराबर है, कोई ज्यादा मुझे फर्क देखने को नहीं मिला है दोनों के कैमराज के अंदर। दोनों के कैमराज ही मुझे सेम लगे, दोनों के कैमराज अच्छे लगे। तो अगर कैमराज के लिए आपको कोई मोबाइल फ़ोन चाहिए ना तो आप इन दोनों में से किसी को भी खरीद सकते हो। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो दोनों के अंदर ही आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है, 1080 के अंदर आप रिकॉर्ड कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको कैमरा वगैरह सब कुछ सेम मिलता है, ज़्यादा कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। बस जो डिफरेंस है वो है डिज़ाइनिंग का, कि आपको मतलब एक ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है या फिर आपको थोड़ी अंदर चमकी वगैरह चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक ज़रूर कर देना, और इन दोनों से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप मुझे पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हमारे चैनल पर हर दिन लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।